भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल में आंखों की रोशनी गंवाने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल में नाथनगर के ताती टोला के रहने वाले अमित कुमार, जो आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं, इलाज के लिए मायागंज अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि होली के दिन उसने राजा मल्लार नाम के व्यक्ति से शराब खरीदी थी और शराब का सेवन किया था, जिसके बाद से उसकी तबियत बिगड़ने लगी। तब परिजनों ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इससे पहले भी चार लोग आंखों की रोशनी गंवाकर अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचे थे, जिनमें से बांका के सिपाही चंदन कुमार की मौत हो गई थी। वहीं अमित के पहुंचने पर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रोशनी गंवाने वाले चार लोगों का इलाज कराया जा रहा है। SSP ने भी स्वीकार किया कि झारखंड के गोड्डा से यह नकली शराब की डिलीवरी हुई थी, जिस मामले में गोड्डा से चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आर्यन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर्यन, आंखों की रोशनी जा रही है, क्या कुछ पूरी समस्या सामने आ रही है? बिल्कुल राहुल, जिससे देखा जाए कि बीते दिनों पिछले लगातार बिहार के समेत भागलपुर कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे होली में जहरीली शराब की सेवन करने के बाद जो है कई लोगों की मौतें हुई है, कई लोगों के आंख की रोशनी चली गई है। इसी तमाम बिंदुओं पे जो है पुलिस, भागलपुर पुलिस लगातार जिला प्रशासन कार्रवाई करे। इसी तरह जो है ये जो तार इसका झारखंड से भी जुड़ा हुआ है, झारखंड का जो है हरिया गाँव, हरिया थाना जिला गोड्डा का जो है वहाँ पे कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसी के संदिग्ध दिशा कहीं पर कई इलाके में पुलिस लगातार कभी जरिए और जहरीली शराब की बरामदगी को लेकर छापेमारी करी है। तो अभी अब तक कहा जा रहा है कि लगातार जो जिस तरह से आंकड़ा बढ़ने की बढ़ रहा था मौत की, तो इसमें पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खुलासा भी किया था भागलपुर के SSP बाबूराम ने कि जहरीली शराब पीने से ही एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उसकी आंखें रोशनी करती है। तो उस बिंदुओं के तहत हत्या और हत्या करने का प्रयास को लेकर मामला कई स्वतंत्र रखने को लेकर इस तरह के धाराएं के तहत जो है मामला दर्ज किया गया था और इसमें पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। राहुल, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आर्यन। कहाँ से मिली है? फ्री ना, मैं अगर इंतजार कर लगा दूँगा।